पुलवामा जिले की एक 26 वर्षीय उद्यमी के पास एक गाय का खेत है जिसमें उन्होंने 5 साल पहले स्थापित किया था। 25 से अधिक गायों के साथ डेयरी फार्म के मालिक का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब कि वह एक टीन शेड में रहती थी। अब उनके पास 3 घर, कार और साइकिल है। ज्यादा की वीर संघर्ष के लिए धन्यवाद। पुंछ के तमाम निवासियों को ईद उल अदा के पवित्र त्यौहार के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि उनके लिए ये त्यौहार खुशियाँ भरा रहे और उनके करीबियों के लिए खुशियाँ लाए। इसके साथ मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से सोशल गैदरिंग को और रिलीजियस गैदरिंग को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उसमें 20 और 25 का नंबर जो रखा गया है, तो कल जब ये त्यौहार मनाया जाएगा तो सभी से मेरी अपील रहेगी कि वो गैदरिंग का ख़ास तौर से ख्याल रखें और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको भी अपनाएं। जब वो त्यौहार मनाते हैं अपने परिवारों में या गांव की मस्जिदों में तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें और जहां तक पॉसिबल हो अपने घरों में और गांव में ही जो है उसका त्यौहार मनाएं और उसी उन्हीं जो मोहल्लों की मस्जिदें हैं उन्हीं में नमाज अदा करें। एक बार फिर मैं जो है सभी पुंछ निवासियों को और ख़ास करके मुस्लिम भाई बहनों को और बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ इस ईद उल अदा के पवित्र त्यौहार की। शुक्रिया। 9 भारत के लिए मलिक निसार की रिपोर्ट, पुलवामा। उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत ने पुंछ जिले के लोगों को ईद उल अजहा के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई दी और सामाजिक दूरी बनाए रखने और हड़बड़ी में जाने से बचने और अन्य एहतियात उपायों का पालन करने की अपील की और इसके साथ ही सभी को सरकारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की ताकि सभी कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकें और सौहार्दपूर्ण ईद मनाएं। सबसे पहले मैं पुंछ के तमाम निवासियों को ईद उल अदा के पवित्र त्यौहार के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं कामना करता हूं कि उनके लिए ये त्यौहार खुशियां भरा रहे और उनके करीबियों के लिए खुशियां लाए। इसके साथ मैं ये अपील भी करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सोशल गैदरिंग को और रिलीजियस गैदरिंग को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उसमें 20 और 25 का नंबर जो रखा गया है, तो कल जब ये त्यौहार मनाया जाएगा तो सभी से मेरी अपील रहेगी कि वो गैदरिंग का ख़ास तौर से ख्याल रखें और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको भी अपनाएं। जब वो त्यौहार मनाते हैं अपने परिवारों में या गांव की मस्जिदों में तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के रखें और जहां तक पॉसिबल हो अपने घरों में और गाँव में ही जो है उसका त्यौहार मनाएँ और उसी उन्हीं जो मोहल्लों की मस्जिदें हैं उन्हीं में नमाज अदा करें। एक बार फिर मैं जो है सभी पुंछ निवासियों को और ख़ास करके मुस्लिम भाई बहनों को और बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ इस ईद उल अदा के पवित्र त्यौहार की। 9 भारत के लिए राजीव शर्मा की रिपोर्ट, पुंछ।